नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। बिहार में पूरी तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि अब हर विधानसभा में प्रत्याशी ने अपना अपना नामांकन भी दाखिल करने लगे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के 20 चेरिया विधानसभा से राजद के कद्दावर नेता और राजद के बागी नेता लक्ष्मी नारायण यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि टिकट के बेस में लक्ष्मी यादव राजद से बिछड़ गए और अच्छे लाल यादव को पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बना दिया। आपको बता दें कि इस दौरान लक्ष्मी यादव के साथ में उनके हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। वही हम आपको बता दें कि लक्ष्मी यादव अब तक के 4 मरतबा विधायक रह चुके हैं, लेकिन ऐसे समय में उनका टिकट काट लिया गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि लक्ष्मी यादव के समर्थकों ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि कैसे उनके चेहरे पे लक्ष्मी यादव के प्रति अपना दर्द झलक रहा है। तो सब दिन उनका झोला ढुआ, आज रह गया सवाल कि दूध के मक्खी लेखा उनको निकाल करके भीग दिया। वो इंसाफ उनको चाहिए था दसवीं को, इंसाफ नहीं चाहिए। यदि वो नहीं देते टिकट तो आज से साल दो साल पहले कह देते कि हाँ लक्ष्मी नारायण तुमको हमको नहीं चाहिए, तो अगला कहीं साइड होता। आज ले आकर के बीच दरियाओं में छोड़ दिए तो वह क्या आज निराशा हो गया, आज अपने ताकत से वो जा रहा है। हमारे पूर्वज लोग कहता था कि फल्ला गांव फल्ला डोम बेच दिया, फल्ला गांव फल्ला डोम बेच दिया। उसी तरह तेजस्वी जी क्या किए हैं, टिकट का दुकान खोले हुए वहीं से जब की खरीद बिक्री कर लेते हैं। जो हम लोग का जुझारू नेता सहनशील माने हर दुख सुख में सब लोग का काम आता है लक्ष्मी नारायण यादव जादा। लोगों का मानना है कि लक्ष्मी यादव के चुनाव लड़ने से भाजपा को चिरैया विधानसभा में बहुत फायदा होने वाला है। कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग एकदम से बात की साफ, जिनको 2000 में जिता कर भेजे थे 39,000 वोट से डील कराए थे, उसी तरह इस बार भी इनको जब की पटना भेज देना है जिता कर। आपको लगता है कि चुनाव जीत पाएंगे निर्दलीय? कोई दाग नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 100% 25-30 हजार वोट से यहाँ से चिरैया से डीलिंग करेंगे, जीत कर जाएंगे। तेजस्वी यादव को वहाँ जब दिखाएंगे कि देखिए हमने क्या दम है, आप मेरा टिकट काट दिए। पहले भी नरेंद्र मोदी भी स्वचन दिए थे कि हमारे गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे और वो भी नहीं दिए। और अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बेरोजगारी में हर गरीबों को पढ़े लिखे आदमी को मैं रोजगार दूंगा। जब हमारे विधायक लक्ष्मी नारायण यादव से 30 बरस उनका झोरट हुए, जब उनके वो नहीं हुए तो हम लोग को क्या होंगे? पार्टी नहीं चाहिए, हम लोग पार्टी से हम लोग लक्ष्मी यादव के नाम से मरते हैं और लक्ष्मी यादव को हम लोग बोल देंगे। लक्ष्मी नारायण यादव काफी प्रचलित नेता है हमारे क्षेत्र के, और हमें पूरा आशा है कि ये निर्दलीय से भी आए, हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं उनका, और हमें एकदम 100% उम्मीद है कि ये विजय होंगे। काफी दिनों से राजद के साथ ये जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा नेता है, लेकिन हमारे जो सपोर्टर है लक्ष्मी नारायण यादव के, वो पूरे जोश खरोश में और इस बार विजय बना के ही दम लेंगे और हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने विधायक को। लेकिन कहा जा रहा है कि लक्ष्मी यादव को चुनाव लड़ने से भाजपा को एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का तो इस बार पत्ता साफ है, क्योंकि लाल बाबू गुप्ता ने 5 सालों में जो देख रहे हैं लोग, कुछ नहीं किया है हमारे क्षेत्र के लिए। आप चिरैया का हाल देखिए, अगर एक बरसात हो जाएगा तो वहाँ आपको जाने के लिए मुश्किल हो जाएगा गाड़ी से। लक्ष्मी जादो जिंदाबाद।